हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको मैं शनि की महादशा में सूर्य की अंतरदशा जिस जातक की चल रही होगी उस विषय में बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, ये बताना चाहूँगा कि शनि की महादशा ओवरऑल 19 वर्ष की चलती है। शनि में यदि किसी जातक का सूर्य की अंतरदशा चल रही है तो वो 11 माह 12 दिन की होती है। आपका जन्म नक्षत्र या चंद्रमा का नक्षत्र ही महादशा तय करता है। मेरे एक राहु महादशा का वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। उसमें महादशा क्या होती है उसकी मैंने डिटेल दी हुई है। यहाँ उस चीज़ को बार बार रिपीट करना ये ठीक नहीं होगा। एक जनरल बात मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रह कब अपना फल देते हैं, ठीक है? ग्रह अपने कब फल देते हैं, कोई भी ग्रह अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा और गोचर के दौरान फल देते हैं। कौन सा ग्रह कब फल देगा यह निर्धारण के लिए ज्योतिष के कुछ सिद्धांत सर्वमान्य, जैसे ग्रह किस भाव में बैठा है, उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, शुभ है, अशुभ है, नीच का है या उच्च का है, शत्रु और मित्र राशि का विचार किया जाता है, गोचर देखा जाता है। ग्रह यदि अस्त है, यदि सूर्य से हारा हुआ है, सूर्य के साथ रह के अस्त है, या ग्रह की और भी दशाएं होती है, ग्रह खल है, विकल है, बहुत सारे ग्रह की अवस्थाएं होती है, प्रकाशावस्था में है, सुप्तावस्था में है, इस प्रकार बहुत सारा ज्योतिष का गहन विज्ञान है। वो सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद यह डिसीजन पे आता है कि इस दशा, महादशा या अंतरदशा में कौन सा ग्रह अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि शनि की महादशा 19 वर्ष की चल रही है और शनि आपका खराब है या नीच का है या अष्टम स्थान पे है, 12वां स्थान पे। हमेशा खराब रिजल्ट नहीं देगा, कुछ पर्टिकुलर समय आपके खराब फल देता है, बाकी अच्छे फल देता है। यदि ऐसा होने लगा तो कई आदमी बर्बाद हो जाएंगे। 19 वर्ष तो बहुत होता है, जीवन तबाह हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ समय खराब होता है। तो शनि की महादशा में यदि सूर्य का प्रत्यंतर अंतर चल रहा है तो आपको शनि और सूर्य यदि की अच्छी प्लेसमेंट होगी तो अच्छी स्थिति रिजल्ट देंगे। लेकिन सामान्यतः ये देखा जाता है कि शनि भी पापी ग्रह है और सूर्य भी पापी ग्रह है, और ऐसे में जो उसका प्रत्यंतर चल रहा है वो भी मंगल का चले और शनि का सूर्य का चले तो अच्छी स्थिति नहीं होती है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, उसके उपाय हैं। आप वो उपाय का यदि पालन करते हैं तो आपकी ये दशाओं में निःशुल्क बिना पैसे के भी उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, और आपको ऐसी दशाएँ चलती भी रहेगी और सिर्फ ईश्वरी आप प्रार्थनाएं करते रहेंगे, आपका सब समय कट जाएगा। लोग बिल्कुल बड़े विचलित होते हैं कि हमारा क्या फलित होगा, आप इतने बावले क्यों होते हैं, आपका क्या फलित होगा, आप हो कौन, आप आम आदमी हो, बिल्कुल अपना फलित जानने के लिए उत्सुक होते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपने फलित जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक कभी नहीं होना चाहिए। ज्योतिष के 90% सिद्धांत में ये बात आती है कि आदमी के बारे में गलत है, बुरा है, इसलिए ज्योतिष के विषय में ज़्यादा, ज्योतिष के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको बुरा बता देगा और आपका जो मनोबल गिर जाएगा और आप टूट जाओगे, क्योंकि आपके जीवन की तरक्की शनि और सूर्य से नहीं होने वाली है, आपके कर्म पर डिपेंड करता है। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से तरक्की करोगे, अच्छे से काम करोगे, अच्छे अटैम्प्ट करोगे, आप निश्चित रूप से आप सफल होगे। आप हमेशा हर जगह ज्योतिष की सीमाएं होती है, हर बात के लिए ज्योतिष जिम्मेदार नहीं होता है। तो शनि में सूर्य का अंतर है तो उसके लिए आपको शनि के कारकत्व तो जानना जरूरी होगा, लेकिन मैंने शनि के कारकत्व तो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। शनि की महादशा में शनि का अंतर में उसके कारकत्व तो बता चुका हूँ, यहाँ पे रिपीट करना ठीक नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे हम सूर्य, चूँकि सूर्य का अंतर चल रहा है तो इम्पोर्टेंट है, सूर्य के कारकत्व पर चर्चा कर लेते हैं जो जरूरी है। सूर्य इसकी पित्त प्रकृति है। जिस जातक का शनि में सूर्य का अंतर चल रहा है उसको मेडिकल की कोई प्रॉब्लम हो रही है, सूर्य उसके अच्छा नहीं है, तो इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। इसकी पित्त प्रकृति इसका बलाबल किसी व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य को प्रतिबंधित करता है। इसका अधिकार क्षेत्र हृदय, पेट, अस्थि, दाहिनी आँख, चिकित्सीय क्षेत्र में सूर्य के अधिकार क्षेत्र, सिरदर्द, गंजापन, अतिसार, चिड़चिड़ापन, ज्वर, दर्द, जलना, पित्त की सूजन होने वाले रोग जैसे यकृत, पित्त की थैली के कुछ रोग, हृदय रोग, नेत्र रोग, पेट की बीमारी, अस्थि रोग, त्वचा रोग, गिरने से शस्त्र से चोट, विस्फोट, रक्त संचार में गड़बड़ी, मिर्गी, कुष्ठ रोग, चौपाए, चोरों, तो सरी सर्पों से भय आदि। ओके, अब यदि आपका शनि में सूर्य का अंतर चल रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ज्योतिष के चक्कर में रहोगे तो बहुत जल्दी मारे जाओगे, तो याद रखना चाहिए कि मेडिकल में दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, वो सही चला देगा। ये बाकी सपोर्ट के लिए आप तो ईश्वरी प्रार्थनाएं करते रहेंगे, उसमें कुछ भी बढ़िया। एक सिंपल सिद्धांत है, यदि शनि की महादशा में सूर्य का अंतर चलता तो सूर्य आदि हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, ओम घनी सूर्य आदि आदित्यों का जप करना चाहिए, सूर्य को पानी देना चाहिए। सिंपल सा ज्योतिष भी होगा वो जानेगा। भारत में तो ज्योतिष के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, आम आदमी भी इतने आध्यात्म के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत जागरूक है। इस मामले में हम लोग बड़े लकी हैं। देखिए, सूर्य के और भी कारकत्व जैसे आत्मा शक्ति, तीक्ष्णता, अच्छा बल, धैर्य, बुढ़ापा, डरपोक, हड्डियां, उधर आंख, आंख की बीमारी, शरीर रोग से मुक्ति, रक्त, चेहरा, उष्मा, शिव पूजन, दुष्टता, ज्ञान, ये ज्ञान का उद्भव, आकाश की ओर दृष्टि, महत्वाकांक्षी, प्रताप, व्यक्तिगत सामाजिक कार्य व्यवहार, उत्साह,
उत्साह, संपूर्ण राज्य, संपूर्ण राज्य राज्यों के लिए। सूर्य एक्चुअल सरकार का प्रतीक होता है, ठीक है। तो सरकारी प्रभुसत्ता, सामग्री, चौपाया, भूमि, खास लकड़ी, ऐसे बहुत सारे सूर्य के कार्य होते हैं, लेकिन सूर्य सामान्यतः सरकार का प्रतीक, सत्ता का प्रतीक होता है। तो ये तो सूर्य के कारकत्व है। जैसे सूर्य के और भी कारकत्व होते हैं, वन, अधिवर्ष, पर्वतों में भटकना, राजा, यात्रा, ज्वर, तपन, दह, शिकायतें, राज्य, स्टेट, ओके। अब यदि आपका शनि में सूर्य चल रहा है, सूर्य हो सकता है कि आपका उच्च का हो। सूर्य उच्च का कब होता है? 0 से 10 डिग्री में सूर्य उच्च का होता है। हो सकता है आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का है, लेकिन वो है 25 डिग्री का, तो शायद उच्च के फल ना दे, क्योंकि सूर्य 0 से 10 डिग्री के बीच में उच्च का होता है। उसी तरीके से हो सकता है आपकी कुंडली में तुला राशि में हो सूर्य और नीच का हो, तो आप बड़े टेंशन में रहते हो, लेकिन हो सकता है वो 0 से 10 डिग्री में हो, या हो सकता है वो 0 से 10 डिग्री में ना हो, वो 15 डिग्री का हो, तो उसके नीचत्व तो खत्म हो जाते हैं, ये विशेष बात है। इसीलिए ऐसे तो हजारों आदमी एक समय में जीते हैं जिसका सूर्य यदि नीच का होगा तो ऐसा नहीं होता। कोई एक दो पर्सन होते हैं जिसके 10 डिग्री का सूर्य होता है, 0 से 10 डिग्री का सूर्य होता है, बाकी लोगों को 25 डिग्री का होगा। तो सूर्य नीच का भी हो गया, आपको नीच के फल नहीं देगा, ये बहुत अच्छी बात है। और सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि, जिसमें 0 से 20 डिग्री का सूर्य मूल त्रिकोण का कहलाता है, जो बहुत अच्छा कहलाता है। अब खास सिद्धांत, जो थ्योरी नंबर वन, जो फॉर्मूला, ये पहला श्लोक ये है, ये ऋषि पारासर का जो होरा शास्त्र, उसका स्कैन करके मैं आपको एज इट इज लगाया हूँ, तो आपको ये पता लगे कि वाकई में ज्योतिष की किताबों में क्या लिखा है, और ये क्या तमाशाबाजी टीवी वाले करते हैं, झूठा सच्चा बता के लोगों को डराते हैं, और ऐसे बताते हैं जैसे डायरेक्ट ऋषि पारासर से मिलके आ रहे हैं, और ऐसे घुमावदार भाषा में, लच्छेदार भाषा में गेटअप बना के ठगने की विद्या है। एक्चुअल ये ज्योतिषी है, ये राजा महाराजाओं के लिए थी, जो 3000 साल पहले लिखे गए थे, द्विजों के लिए थी, ब्राह्मण के लिए, क्षत्र की, वैश्य के लिए थी। अब तो झोपड़पट्टी का आदमी भी सब तमाशा करने लगा है, उसको सोच समझ के करना चाहिए, यदि कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन उसको एज इट इज नहीं मानना चाहिए, उसको अपनी परिवर्तित काल परिस्थिति में अपने आप को परिवर्तन करते हुए उसको ज्योतिष करना चाहिए। लेकिन बदमाश जो ज्योतिषी हैं, वो एज इट इज आपके ऊपर थोपते हैं और आपसे धने अटते हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि की दशा में सूर्य का अंतर हो, और सूर्य अपने उच्च में हो, ग्रह में हो, अपने घर में हो, भाग्य से युत हो, भाग्य से ये कहलाता है, नौवें स्थान के स्वामी से युत हो, जैसे यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली में, सिर्फ मैं उदाहरण बता रहा हूँ, हो सके, और ये जो थ्योरी है मेष लग्न से लेके मीन लग्न की कुंडली तक अप्लाई होता है ये सिद्धांत, ओके। तो यहाँ पे जैसे ये नौमेष गुरु के साथ सूर्य कहीं पे बैठा हो यहाँ पे, तो पॉजिटिव कहलाएगा। ऐसी स्थिति में लग्न से केंद्र से त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, ये मैंने मान के चलो मेष लग्न की कुंडली देखी, यहाँ चारों जगह मैंने सूर्य को बैठा लाऊंगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान, सातवां स्थान, दसवां स्थान केंद्र स्थान कहलाते हैं, और ये पांचवा स्थान और नौवां स्थान ये मूल त्रिकोण कहलाते हैं, जिसको लक्ष्मी स्थान कहते हैं, ये विष्णु स्थान कहलाते हैं, लक्ष्मी स्थान है ना, ये स्थान शुभ कहलाते हैं। यहाँ पे यदि सूर्य की प्लेसमेंट होगी, सूर्य यहाँ बैठा होगा तो अच्छा होगा। ये मैंने उदाहरण के लिए सूर्य यहाँ बैठा दिया हूँ, आपकी कुंडली में तो सूर्य कोई एक स्थान पर होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, तो यहाँ होगा, ये आपको समझना होगा। जिस व्यक्ति को ज्योतिष का बिल्कुल थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, उसके लिए हो सकता है कि ये वीडियो खतरनाक हो सकता है और गलत समझे, इसलिए सोच समझ के आप इसको समझें। सूर्य यदि लग्न से या दशापति से आठवें बार में हो, तो हृदय रोग, मान हानि, स्थान नाश, मानसी व्यथा, बंधुओं का वियोग, उद्योग में बाधा, ज्वर, ताप, भय, संबंधियों का नाश, प्रिय वस्तुओं की हानि होती है। ये मेष लग्न की कुंडली है, और यहाँ पे शनि जो महाराज बैठे हैं, ये दशापति कहलाते हैं, ठीक है। अब ये मेष लग्न की कुंडली में हो सकता है शनि जहाँ बैठा हो वहाँ से ही हम उसको लगाते हैं, या लग्न है, मेष लग्न है ये, यहाँ से सूर्य देखो 12वें स्थान पे और 8वें स्थान पे बैठा है, तो निश्चित रूप से अच्छे रिजल्ट नहीं देता, कोई टेंशन नहीं, उसके उपाय हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सूर्य यदि द्वितीय, थ्योरी नंबर 3, सूर्य यदि द्वितीय और सप्तमी में शरीर में कष्ट होता है, उसके दोष के शांत्यर्थ सूर्य की आराधना करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें और खुश रहिए, जिसकी हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए और सूर्य को पानी देना चाहिए, बहुत सारी टेंशन कम हो जाएगी। लेकिन भाई जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाएगा ही ना, नहीं तो मारा जाएगा। देखिए कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य द्वितीय होता है, ऐसी स्थिति में भी बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं है, तो मैंने उपाय आपको बताया, और भी उपाय बताऊंगा अभी आगे। देखिए कुंभ लग्न की कुंडली में जो है सूर्य सप्तमेश होता है, ठीक है, जिस जातक की कुंभ लग्न की कुंडली है उसका सूर्य यहाँ 5वें स्थान पे होगा और ये सप्तमेश होके मारक होता है, जो बहुत अच्छा नहीं है, उसके लिए भी सूर्य की आराधना की बात
ऋषि पाराशर ने कहे थे, हमारे ऋषि पाराशर बहुत मानते, वो ऐसे लुटेरे नहीं थे ब्राह्मणों जैसे जो गरीब आदमी को भी शिव की मूर्ति बना के लूटते हों, काल सर्प योग और शनि का ढैया और साढ़े साथी, कितने डर हमारे जीवन में फैला रखे हैं और लूटपाट चल रही है। तो यदि ऐसी कोई बात होती है तो विष्णु ऋषि पाराशर ने कई जगह कम से कम 9 बार विष्णु सहस्त्र नाम का आया है। ऋषि पाराशर की होरा शास्त्र में जो ज्योतिष के रचयिता हैं उन्होंने लिखा है तदोष परिहार्तम विष्णु सहस्त्र कम जपेत, विष्णु सहस्त्र नाम बोले ना कि नगनगीने नाटक की टोटके। तो विष्णु सहस्त्र नाम अच्छा विकल्प, इसका उपयोग करिए। सूर्य के बारे में बता दूँ, सूर्य के जो मित्र ग्रह होते हैं चंद्र मंगल गुरु होते हैं और उसके समराशि होती है बुध और शत्रु इसका शुक्र और शनि होता है। तो हो सकता है आपका सूर्य शुक्र और शनि के साथ बैठा हो तो भी रिजल्ट बहुत अच्छे होने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन सूर्य यदि आपका चंद्र मंगल गुरु के साथ है तो अच्छी बात है। अब काम की बात और आगे, ग्रह शांति की जो बृहत पाराशर में ऋषि पाराशर ने ग्रह शांति के उपाय में लिखा है कि सूर्य से लेकर राहु तक के मंत्र की बात कही, बहुत अच्छी बात है। मंत्र में कोई पैसा नहीं लगता, तो मंत्रों के जाप से ग्रह शांति होती है, स्त्रोत पाठ से ग्रह शांति होती है, बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन ऋषि पाराशर साहब ने कई जगह दान की बात करी, जैसे स्वर्ण दान, चांदी दान है ना, घोड़ा दान, काली गाय का दान, भैंस का दान, बकरा का दान। तो भाइयों ये जो दान है हमारे लिए नहीं थे, एक्चुअली राजा महाराजाओं के लिए थे, ठीक है। और जो कि ज्योतिष जो थी आज से 3000 साल पहले लिखी गई, ये द्विज लोगों के लिए थी, क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण लोगों के लिए थी। तो उनके पास संपन्नता थी, तो वो कई प्रकार के घोड़े पालते थे, राजा लोग, राजपूत लोग सब देते थे उन लोग। अब झोपड़पट्टी वाले लोग आजकल जो है ज्योतिष के चक्कर में लगे हैं, पिछड़ी जात के लोग लगे हुए हैं, शूद्र लोग लगे हुए हैं ज्योतिष में, तो उनको भैया सोच समझ के करना चाहिए। उनके लिए ऋषि पाराशर ने बोला है कि जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ रुद्री जप संस्कृत में नहीं बनता, तो कोई जगह महामृत्युंजय का आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही, हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो चुकी है या डर है कोई, तो ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला मंत्र का जाप कर सकते हैं माला में, बहुत अच्छी बात है। और माला में करने से ज़्यादा अच्छा होता है, एक माला भी शुद्ध मन से कर लिए तो एक माला में 27 नक्षत्र के 4 चरण के हिसाब से 108 हो जाता है। 27 में आप 4 का गुणा करो तो 108, इसका मतलब हुआ कि माला में 108 गुरिया इसीलिए रखे गए हैं, उसका भी कोई नियम सिद्धांत है। यदि एक माला भी मन से कर लिए तो आपके ग्रह शांति होती है। और नवग्रह स्त्रोत का पाठ कर लीजिए, तो ये विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, शिव की पूजा, ये सब चीज़ें बताइए, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत इसका पाठ करिए। ये देखिए वाल्मीकि रामायण कृत है, आदित्य हृदय स्रोतम, ये सूर्य का बहुत अट्ठा पास है, गीता प्रेस का है, कोड नंबर 211। यही किताब खरीदिए, 2-3 रुपये का आता है, बिल्कुल 1 रुपये भी खर्च करिए नहीं। शनि के नाम पे जो 1-2 रुपया खर्च कर दे, ज्योतिष के नाम पे 1-2 रुपया भी खर्च कर दे, वो महा नुकसान में जाएगा, क्योंकि ऋषि पाराशर ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये ब्राह्मण इतना ठगेंगे आम जनता को। और ऋषि पाराशर ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये जो मेरी ज्योतिष राजा महाराजाओं के लिए और द्विज लोगों के लिए बनाई है, कभी ये शूद्र पिछड़ी जात के लोग इस तरीके से साढ़े साथी से डरेंगे और लूटपाट ब्राह्मण लोग करेंगे, कर्मकांडी लोग करेंगे, फर्जी लोग करेंगे, तो कर रहे हैं। सभी ब्राह्मण खराब नहीं है दुनिया में, लेकिन आजकल अधिकतर 90% लोग बदमाशी पे उतर आए हैं और कर रहे हैं, ठग रहे हैं, सच बात कभी नहीं बताते। तो ये सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, यदि आपकी शनि में सूर्य की अंतर्ध चल रहा है और आपको प्रॉब्लम हो रही, तो सूर्य आदित्य स्रोत का पाठ करिए और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और ओम घनीशूर आदित्योम इस मंत्र का जाप करने से आपको भला होगा, इसमें कोई शक्ति नहीं। आप किसी भी प्रकार की भक्ति करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होकर नाचते हैं। और जैसे आजकल लोग ज्योतिषी लोग आपको डराते हैं कि मातृ ऋण, पितृ ऋण और पता नहीं कितने ऋण आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, जो कि ज्योतिष उनको नहीं बनती, फिर भी बोल रहा है कि मातृ ऋण, ऐसे त्रिकालदर्शी भारत में बहुत कम है जो आपकी कुंडली में ये देख के बता सकें कि तेरी कुंडली में भाई मित्र ऋण है, मातृ ऋण है, तेरे को फलाना कोई दोष है, ऐसे एक भी ज्योतिष नहीं हिंदुस्तान में। ये सब झूठ का धंधा चल रहा है, विद्याएं सही थी लेकिन विद्या का दुरुपयोग हो रहा है। तो जितने भी रीत होंगे, तो नारद भक्ति सूत्र में लिखा है आपके कितने भी ऋण हों, यदि आप शुद्ध भगवान की भक्ति करते हैं तो आपके सारे ऋण से उऋण हो जाओगे और पृथ्वी माता और देवताएं प्रसन्न होकर मुदित होकर नाचने लगेंगे, ऐसा नारद भक्ति सूत्र में लिखा। और श्रीमद् भागवत में क्या भाई, 11वां स्कंद का 5वां अध्याय का 41वां श्लोक पढ़ना, 11:5:41 खोल के देख लेना, उसमें लिखा है कि भक्ति करने से सारे भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन ब्राह्मण देवता आपको ऐसा बताएगा तो वो बेचारा भूखा मर जाएगा, तो कभी नहीं बताएगा। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको शनि और मंगल का नाम नहीं लेना चाहिए और किसी भी ज्योतिषी के पास कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी बुरा बोलता है और बेचारा पढ़ने वाला स्टूडेंट हताश होकर या तो आत्महत्या कर लेता है या तो उसका कंपटीशन मारा जाता है, खत्म हो जाता है। आप अपने बल पे, अपने कर्म पे, अपने कंपटीशन पे, आपकी पढ़ाई के बल पे कंपटीशन निकालोगे कि ये तुमको शनि मंगल आपको पाठ कराएंगे, PSC और UPSC या कोई एनी कॉम्पिटिशन,
आपसे निवेदन है कि ऐसे लफड़े मत पड़ो आप। प्रतियोगिता वाले छात्र को कभी भी अपनी कुंडली लेके किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कभी नहीं जाना चाहिए। उसका भगवान केवल उसका सिलेबस है। अपने सिलेबस को एक एक शब्दों को एक एक लाइनों को देखो सिलेबस में क्या लिखा है, उसको पढ़ो और पास हो गए, सक्सेस हो गए आप। नहीं तो आपको ये नग्न गिनने के चक्कर में आपको कभी नहीं रहना चाहिए। और दुनिया का कोई भी नग्न देखो, यदि पुखराज में इतनी ताकत है तो बनिया अपने सारे बच्चों को पुखराज पहना देता और संपन्न कर लेता। नहीं, लेकिन नहीं है, बनियों के बच्चे भी बिगड़ गए और परेशान हैं बनिया भी। ठीक है, गरीब व्यक्ति को कभी दान नहीं देना चाहिए। गरीब ये जो दान है ये राजा महाराजाओं के लिए था, संपन्न वर्ग के लिए था। ये गरीब व्यक्ति जो 5-10 हज़ार रुपया कमा रहा है, जो ईटा भट्टे में काम करता है, मजदूरी करता है होटल में, वो क्यों 1 रुपया भी खर्च करे भाई? ये तो वो संपन्न लोगों के लिए दान था। राजा महाराजा जो है वो दे। गर्भवती माताएं और किशोरी बालिकाएं जो एडल्ट गर्ल्स हैं वो कभी भी व्रत ना रहें और शनि के चक्कर में ना रहें, वो अच्छी हेल्दी खाना खाएं, खुश रहेंगे। और जो बहुत ही गरीब है जिसके पास कुछ ही नहीं है, वो नवग्रह स्त्रोत का पाठ नियमित करे तो नवग्रह की शांति हो जाएगी और सारी उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। विष्णु सहस्त्र नाम भी बहुत अच्छा विकल्प है। और विष्णु सहस्त्र नाम का नाम जो है इसके बारे में कम से कम 8 या 9 बार ऋषि पार्षद ने कहा है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ग्रह शांति होती है। ये 100% रही है। फ्रेंड्स, मैंने अपने काम की बात बता दी है और मेरे इस वीडियो में देश सेवा और राष्ट्र सेवा भी, कि लूटने पिटने से लोगों को बचाना है मेरा ज़्यादा उद्देश्य है। मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कोई लोग बुरा लग जाएगा तो लग जाए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लाइक भी करें। ओके।